दिखाई दे रहा है हमारे पीछे ही, बहुत सा पुराना पेड़ है लगभग, आप देख सकते हैं जो थावे मंदिर पे, और खास करके थावे मंदिर का मेरा पहला वीडियो है। और तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये थावे मंदिर का मेन गेट है, और यहाँ पर हर दिन यानी आज मंगलवार है और हर दिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। और हम आपको एक तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक जो गेट आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड गेट है, और सेकंड गेट से यहाँ से निकलते हैं और अगले गेट जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में एक रेड गुंबद है वो भी है। और दोस्तों आप एक बार अच्छी तरीके से यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ कितना हमारे पीछे लग रहा है कि अभी ये गोरखपुर का सीन है। नहीं तो दोस्तों आपको सही सही बता देना चाहता हूँ कि ये अभी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है थावे मंदिर का। तो जैसा कि आप काफ़ी वीडियो में देखे होंगे कि दोस्तों थावे मंदिर से अलग अलग जगहों से आप वीडियो देखे होंगे, लेकिन जो मैं तस्वीर आपको पास अभी वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ वो तस्वीर शायद आप अलग वीडियो में नहीं देखे होंगे। तो चलिए हम दोस्तों आज आपको दिखाने का प्रयास करेंगे थावे में वो सब अच्छा प्राकृतिक, जैसे कि पहले जैसा जो वन यानी जो था यहाँ पर पेड़ पौधा था वो कितना भी नष्ट हो चुका है, और कितना भी है और कितना मौजूद है, और अभी क्या क्या मौजूद है टोटल अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो साथ हमारे बने रहिए। और जैसे कि आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है हमारे पीछे ही बहुत सा पुराना पेड़ है लगभग, आप देख सकते हैं अभी सभी पेड़ों का स्थिति कैसा है, और अच्छा बहुत एक देखने में आपको भी वीडियो में अच्छा लग रहा होगा, जैसे कि आप जब हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं वो इस वीडियो को देखकर उनको काफ़ी आनंद आएगा। तो चलिए दोस्तों हम और कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हमारे पीछे देख सकते हैं ये तमाम तरह के ऐसा ही पेड़ दिखाई दे रहा है, और सेम टू सेम ऐसा ही पेड़ था। और ये हम उस क्षेत्रों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कि मंदिर से हट के, जो कि मंदिर के अगल बगल में ऐसा में आप देख सकते हैं मंदिर का अगल बगल में है, और ख़ास करके थावे मंदिर का आपको सीन दिखाई दे रहा है। और अभी समय बहुत धूप हो चुका है, लेकिन धूप में हम आपको इसलिए बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्या ताकि आपको वीडियो अच्छा दिखाई दे। दोस्तों ये पेड़ आप देख सकते हैं कोई ऐसा लगाया हुआ पेड़ नहीं है, जब माता रानी यानी थावे मंदिर का जब यहाँ पर स्थापना हुआ, जब थावे मंदिर के भवानी जब यहाँ पर आई तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही पेड़ देखने को मिला होगा। और इस पेड़ को खास करके उस तरह से हम शेयर नहीं कर सकते हैं जैसे कि आप अगर प्राकृतिक रूप से एक अलग होता है, और एक आप अगर खुद लगाते हैं तो ऐसा मतलब सुंदरता नहीं ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इस तरीका का और कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मंदिर का एक हिस्सा में ही ऐसा ही पेड़ लगा है, और हम अभी मंदिर के काफ़ी मतलब पीछे आ चुके हैं, और पीछे में आप देख सकते हैं और यहाँ पर खास करके ये ब्लोरो आ जाता है, मंदिर का पिछला भाग है, और ऐसा में आप देख सकते हैं ये जैसे कि मंदिर में यहाँ पर छोटे छोटे जो यहाँ पर पुजारी रहते हैं उनका कुछ मंदिर आपको देखने को मिला होगा। और ये देखिए दोस्तों ये पिछला भाग में आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा हाँ कि यहाँ पर आप आए हैं कि नहीं आए हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हम और कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों अभी ये खूबसूरत नज़ारा, जैसे कि अभी ये मंदिर का आखिरी छोर पर हम वीडियो बना रहे हैं और आपको कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस छोर को बहुत महानता रखी गई है, और तमाम यहाँ महापुरुषों का समाधि है, इसीलिए इधर भी कुछ लोग ध्यान देते हैं। दोस्तों आपके पीछे मैं अभी अपने पीछे आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी मैं आप देख सकते हैं इधर झूला लगाया, और ख़ास करके अभी वो जो मंदिर देख रहे हैं वो मंदिर थोड़ा जूम करके दिखाया, वो मंदिर रसु भगवान का मंदिर, जो कि नज़ारा लुक इसका अलग हो गया होगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हम और कुछ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ से जैसे कि हम इस रोड से जा रहे हैं तो ये डायरेक्ट मंदिर के मेन गेट पर लेकर जाएगा, और कुछ जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो साथ बने रहिए हमारे, बस जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों अभी ये खूबसूरत नज़ारा, जैसे कि अभी ये मंदिर के आखिरी छोर पे हम वीडियो बना रहे हैं और आपको कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस छोर को बहुत महानता रखी गई है, और तमाम यहाँ पर महापुरुषों का समाधि है, इसीलिए इधर भी कुछ लोग ध्यान देते हैं दोस्तों।